हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनाली शर्मा। तो आज मैं अपने बालों को कलर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो उसी पे होने वाली है। तो मैंने आज ही मन हुआ तो मैंने आज ही ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया। मैं करने वाली हूँ पैराडाइज का कलर टिंट, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी है। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे कैसे करती हूँ, क्या क्या होता है। मैंने ये पैक खोल लिया, मुझे इसमें मिली है ये क्रीम, आप देख सकते हैं। ओके, साथ में ये डेवलपर, जिससे कि कलर बिल्ड होने में हेल्प होगी। और साथ में ही मुझे मिला है ये कंडीशनर, जो मेरे को 2 वीक्स बाद यूज़ करना है कलर के बाद, और ये आफ्टर कलरिंग के बाद यूज़ करना है। ओके, और साथ में मुझे मिला है ग्लव्स एंड ब्रश, और इसमें बताया है कि कैसे यूज़ करना है। ओके, तो इसमें एक है कि सबसे पहले ग्लव्स पहन लेने हैं, और सेक्शन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है हेयर्स को, और स्टार्ट अप्लाइंग द मिक्सचर इवनली यूजिंग द ब्रश स्टार्टिंग एट द फ्रंट एंड मूविंग टुवार्ड्स द बैक। ओके, हो गया। फिर इसको मैंने थर्ड स्टेप बोल लिया। सबसे पहले हमें ग्लव्स पहन लेने हैं, उसके बाद एम्प्टी बाउल में इसको मिक्स कर लेना है। हम तो या तो प्लास्टिक का या तो शीशे का कर सकते हैं, तो मैं शीशे वाला करूँगी। और अच्छे से मिक्स करना है और अप्लाई करना शुरू करना है, और 30 to 45 मिनट इसको रहने देना है। देन वॉश करना है जो कंडीशनर दिया है उससे। ओके, पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन हो गई क्लियर। अब मैं इसको लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं। मुझे लगा एक ही है। ओके, आज ये वाली टी शर्ट खराब होने वाली है, इसको बाद हम होली के लिए रख लेंगे। भाई भी आ जा रहे यार, ग्लव्स पहनना भी नहीं आते मुझे, और मैं कलर कर रही हूँ, इमेजिन क्या ही डिजास्टर होगा। ये है हमारा कलर। अभी फिर ग्लो ग्लो नहीं आ रहा है, मैं विदाउट मेकअप बैठ गई हूँ, बट सच में यार इसको पकड़ से ग्लो आ गया। ओके ओके, ये बहुत लंबी हो जाएगी। खोला नहीं, इसको खोलना पड़ेगा। इस कलर को देख के लग रहा है मैं गलती कर रही हूँ, बट कोई नहीं, ये ज़्यादा दिन तक क्लीन रहने वाला है, 20 वॉश के बाद ही उड़ जाएगा, तो देखते हैं। मैं इसको करके आती हूँ यार। ओके, इसको मिक्स करना है अच्छे से। ओके, तो अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब लगाना शुरू करते हैं। तो मैंने बालों का सेक्शन कर लिया है, अब हम इसको लगाना शुरू करेंगे।
गया है और मेरे यहाँ यहाँ लग गया, मैं इसको जल्दी से साफ कर लेती हूँ, थोड़ा आइस पे भी लग रहा है और अच्छी लग रही हूँ वैसे ऐसे भी। अब मैं मिलती हूँ आपको बाद में, जब मेरा पूरा कलर ड्राई हो जाएगा, मैं वॉश करके आ जाऊँगी उसके बाद मिलती हूँ। ओके, जो कलर लगा था ना फेस पे वो साफ करके आ गई हूँ, हाथ पे थोड़ा सा लग गया था क्योंकि मैं थोड़ा मैसी कर दिया था। अब इसको 45 मिनट के लिए मुझे ऐसे ही रहना है एंड देन वॉश करूँगी। 45 मिनट्स बाद इससे मुझे वॉश करना है अपने हेयर, तो मैं अब आपको इसके बाद ही मिलती हूँ डायरेक्ट। ओके, तो गाइज ये रिजल्ट आया है, बहुत ही ज़्यादा सही लग रहे हैं, सच में खूब सीख गया मैंने और इतना बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया। और अभी मैंने कोई मेकअप वेयर नहीं किया, मैं लाइट के नीचे बैठी हूँ, इतना सही लग रहा है, धूप में तो और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ट्राई किया, अगर किया है तो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये 100% वर्क करता है और ये नो ब्लीच हेयर कलर है, ये 20 वॉश तक रहेगा उसके बाद ही चला जाएगा। तो आपको अपडेट चाहिए होगा उसके बाद कभी तो मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।